अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट उमर और आप देख रहे हैं उमर लाइफस्टाइल। आज मैं आपको ले आया हूं एबटाबाद के सबसे मशहूर लैंडमार्क इलियासी मस्जिद में, और यहां पे आपको इसकी वजह शोहरत भी बताऊंगा और यहां पे इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और व्लॉग एंड तक देखिएगा। इसमें हम आपको स्ट्रीट फूड भी कवर करेंगे यहाँ का, और आपको दिखाएंगे कि इसमें और क्या क्या है। चलें बगैर किसी देर के आपको मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं और इसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं। इलियासी मस्जिद में एंटर होते ही साथ बाएं जाने मुड़ जाने पर जब आप सामने जाएंगे आपको एक खूबसूरत तालाब नज़र आएगा। इसके इर्द गिर्द वजू करने की जगह भी बनी हुई है, और आप यहाँ आएँ और जब भी आप आएँ तो आप यहाँ पर लाजमी यहाँ से वजू करें और यहाँ पर नमाज अदा करें। यह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पर आर्किटेक्चर है। और इलियासी मस्जिद बेसिकली 1932 से कायम है, और एबटाबाद की बहुत ही मशहूर जगह है। जो कोई भी एबटाबाद आता है वो इलियासी मस्जिद लाजमी विज़िट करता है, और जैसा कि इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद की एक आइकॉनिक हैसियत है, इसी तरह ही एबटाबाद में इलियासी मस्जिद की भी वैसी ही इम्पोर्टेंस है। और हमने यहाँ पे वजू अदा कर लिया है, अभी हम चलते हैं और आपको मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं और यहाँ पे हम नमाज भी अदा करेंगे। मस्जिद के अंदर एंटर होते ही आपको एक सेहन नज़र आएगा जो कि बहुत ही वसी और रीज सेहन है, और ये इसका मस्जिद का कॉरिडोर है। आप यहाँ पे अभी भी चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है इसका, और बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में सराउंडेड है ये मस्जिद। यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 नमाजियों के नमाज पढ़ने की जगह मौजूद है। ये कॉरिडोर आप देख सकते हैं, और यहाँ से जैसे ही हम अंदर जाएंगे ये आप इसका मस्जिद का हॉल देख सकते हैं। बहुत ही पुरसकून जगह है, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है पहाड़ों का। आप यहाँ पे जब भी आएँ आप यहाँ पे आके नमाज अदा करें। हमने भी आके यहाँ पे नमाज अदा की। इलियासी मस्जिद से बाहर आते ही साथ आपको पकौड़ों के स्टॉल नज़र आएंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पकौड़ों के स्टॉल हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे पकौड़े समोसे बनाए जाते हैं। हम भी यहाँ पे आए, हमने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे आलू वाले पकौड़े, आलू वाले समोसे और प्याज वाले पकौड़े तैयार हो रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ के इनके पकौड़े ट्राई करते हैं और साथ चाय भी पीते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये किस तरह के हैं। अच्छा जी भाई, ये हमारे गर्मा गर्म पकौड़े आ चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ आलू वाले पकौड़े भी हैं और ये प्याज वाले पकौड़े भी हैं, और इसके साथ इन्होंने स्पेशल चटनी बनाई हुई है। अभी इसको खाते हैं और आपको चेक कराते हैं कि ये किस तरह के हैं। पहले ये आलू वाला खा के चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये किस तरह का है। गर्मा गर्म है पकौड़े, और नॉर्मल पकौड़े वाला टेस्ट है, कोई खास ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे बहुत स्पेशल है। ये इस वाला दूसरा चेक करते हैं, प्याज वाला। ये अच्छा है, आलू वाला थोड़ा ठंडा भी है और ऑयली भी है, तो ये जो प्याज वाला है ये अच्छा है टेस्ट। बाकी यहाँ की मशहूर चीज़ है, आप जब भी इधर आए यहाँ पे आके ये टेस्ट कर सकते हैं।